बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की। परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की। देखिए बताया, कोई रोगी ले लो भाई, बंट है वैद दवाई। सतगुरु समनदास जी महाराज आज आपके बीच में उस दवाई को लेकर आए, बांटने के लिए लेकर आए, लेकिन लेगा वही जो कोई रोगी होगा। बताया नुकहा, जो बात दवा से ना हो सकी, जो बात दवा से ना हो सकी, वो बात दुआ से होती है। काबिल मुर्शिद जब मिल जाए तो बात खुदा से होती है। जब पूर्ण सतगुरु मिल जाते हैं तो उस परमात्मा का, परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। बंट है वह दवाई, कोई रोगी ले लो भाई। नुकहा अगम दिशा से चले हमारे सतगुरु। आज पता नहीं, आप किसी को नहीं पता होगा कहाँ से सतगुरु महाराज आए। अगम दिशा से चले हमारे सतगुरु, वस्तु बगल में ठाई, आन सरा में डेरा लालिया, धर दी बंदी बंधाई। सतगुरु महाराज आ गए, उस दवाई को बंदी बंधाई रख दी, खोली नहीं। अभी खोलेंगे कब? जब कोई उसको लेने वाला होगा। अन्य महापुरुषों ने बताया, नुकया हीरा वहाना खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट, हर लगा चुपकी पोटली लगो अपनी बाट। कोई लेने वाला ग्राहक हो तो वो ले सकता है, उसके लिए सतगुरु महाराज देने के लिए तैयार हैं, खोलने के लिए तैयार हैं। नुकया सब मानस की खातर लाया, सब जीवों के लिए लेकर के आए, सब मानस की खातर लाया, सबने खोल दिखाई। राजा रंक बैरागी ले लो, घर घर बटने आई, घर घर बटने के लिए आई। लेकिन इसको लेगा कौन? सतगुरु रविदास जी महाराज की शरण में, चाहे वे पिप्पा राजा हो, चाहे बादशाह सिकंदर हो, चाहे कितने बड़े राजा महाराजा आए हो, जो भी उनके शरण में आया सबको वो दवाई उन्होंने दी। और उस दवाई, जिसने भी वो दवाई पी, आज उनका नाम धरती और आकाश में अमर है। धरती और आकाश के बीच अमर है, और तब तक पृथ्वी रहेगी, चांद सूरज रहेगा, तब तक महापुरुषों का, उनका नाम भी सतगुरु महाराज के चरणों में अमर रहेगा। क्या हम उस दवाई को लेने वाले हैं? क्या हम उस दवाई को लेना जानते हैं? हम तो सत्संग सुनना ही नहीं जानते। मीरा जो थी, अभी मीरा की वाणियां भी आई, मीरा का चार हाथ, चार पांव, चार मुंह, ऐसा कुछ नहीं था, वो आप ही की जैसी, बिल्कुल आप जैसी आंख, मुंह, नाक, कान, सब कुछ ऐसे ही थे। फिर मीरा का नाम इतना ऊंचा क्यों हुआ? आज 650 साल बाद भी हम वाणियां गाते हैं, बड़े मान सम्मान से मीरा का नाम लेते हैं, क्योंकि जब मीरा सत्संग में बैठती थी तो इस बहन की तरह इधर उधर की बात नहीं कर रही थी, चुप करिया कर रही, वह केवल सत्संग में बैठती थी, आंख मीच करके सत्संग में ध्यान लगाकर बैठती थी, सुरती को सत्संग में लगाती थी, उन महाराज के चरणों में लगाती थी, तब मीरा जा करके अमर हुई। क्या हम होना चाहते हैं? क्या हम मीरा बनना चाहते हैं? ये मीरा की बात नहीं है, जितने हम यहाँ पे, हमारा समाज भी बैठा हुआ है, हम सब उसके समान ही शिष्य जितने भी हैं। गुरु के लिए कोई स्त्री पुरुष नहीं होता, सब एक समान होते हैं। नुकहा मधुतला में नहा के ले लो, हो जाएगी सरदाई, हर तीनों वस्तु गोते मारो, दूर हटा दो काई। हैं, हम अपने अंदर की बुराइयों को सतगुरु समनदास जी महाराज रोज तो प्रचार कर रहे। नुकहा जो तू सच्चा बाणिया, सत की हाट लगा, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा बाहर भगा। उस कूड़े को हमने बाहर भगाया क्या? हमने सत्संग को समझा का, फिर भी बताया कली के द्वारा। नुकहा वो दवाई ऐसे नहीं मिलती, नुकहा मोल मिले ना मांगी मिलती, ना वो मोल मिलती और ना मांगी मिलती, उधारी भी नहीं मिलती। नुकहा मोल मिले ना मांगी मिलती, उधारी तक ना भाई, हर कहे रविदास सिर सांठे ले लो, हो जा सफल कमाई। सब कमाई सफल है, हम केवल कहने मात्र के हैं, कहते हैं। नुकहा गुरु मिलन को चालिए, शीश दीजिए दान, हर जो शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ते जान। मुझे पक्का पता, हम सिर्फ कह रहे। अगर आज समनदास जी महाराज मेरे देख उंगली मांग ले तो सबसे पहले टाप मारूंगा कूद के, बड़ा जोर पड़ता है। ऐसा नहीं कि देने वाले नहीं है, आज सिर भी देने वाले हैं,
लेकिन कोई लाखों करोड़ों में अरबों में एक मिलता है। प्रेमियों, हम उस सत्संग को समझें, उस वाणियों को समझें जिन वाणियों के द्वारा महापुरुषों ने हमें, उन महापुरुषों को चेताया जो उनके शरण में आया उसको अमर कर दिया। नुकाया देव कलाली एक प्याला, ऐसा अवधू है मतवाला। नुकाया कह कलाली प्याला देऊं, पर पीवन हारे का शीश लेऊं। नुकाया हायरी कलाली तूने ये क्या किया, अरे एक प्याले के बदले शीश लिया। सतगुरु समनदास जी महाराज क्या भाई, तू मुझे एक चीज दे दे, दो चीज दे दे। बोला जी क्या? बोला दारू अरियो मीट ठंडा जितनी भी ये चीजें हैं बुराई की, ये मुझे दे दे। जो तेरे अंदर बुराइयां तू उनको मुझे दे दे, मेरे से अच्छाई लेकर के जा। हम बुराई नहीं देते, सिर देने की तो बहुत दूर की बात है, हम तो बुराई नहीं देखते। तो काहे के सत्संगी, काहे के हम प्रेमी। प्रेमियों, आज सत्संग को जानो, सत्संग को मानो, इन वाणियों को तो सुनो, लेकिन वाणियों के द्वारा क्या कहा उस बात को भी सुनो। मीरा के वाणियों को सुनो, मीरा के इतिहास को भी देखो। मीरा सत्संग सुनने थी तो क्या करती थी? प्रेमियों देखिए, अब आपके सामने महात्मा राजकुमार दास जी आ रहे हैं दोसा की एक वाणी लेकर।